दोस्तों आज के इस वीडियो में हम महिंद्रा XUV 700 और मारुति अर्टिगा के बीच में कंपेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों पहले ही मैं आपको बता देता हूं, दोस्तों दोनों के अंदर में प्राइस का बड़ा डिफरेंस है, पर दोनों ही 7 सीटर है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ के हम इसके बारे में पूरा डिटेल्स जानते हैं, कौन सा SUV MPV आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लेंथ से शुरू कर लेते हैं। महिंद्रा XUV 700 का लेंथ है 4695 mm, जबकि इसका व्हील बेस है 2750 mm। वहीं अगर हम मारुति अर्टिगा की बात करें तो इसका लेंथ यानी कि लंबाई 4395 mm है और इसका व्हील बेस 2740 mm है। और दोस्तों अगर हम इसके चौड़ाई के बारे में बात करें तो दोस्तों महिंद्रा XUV 700 का चौड़ाई 1890 mm है, जबकि इसका क्लियरेंस 205 mm है। और अर्टिगा का चौड़ाई 1735 mm है, जबकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस सिर्फ 180 mm है। तो दोस्तों अगर हम डायमेंशन एंड साइज के बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पे XUV 700 आगे निकलता जा रहा है। हाइट की बात करें तो XUV 700 का हाइट 1795 mm है, वहीं अर्टिगा का हाइट 1690 mm है। तो दोस्तों इससे आपको पता चल जाता है लेंथ, विड्थ, हाइट सभी में XUV 700 आगे है। अगर इंजन डिटेल्स के बारे में बात करें तो दोस्तों महिंद्रा XUV 700 में 2.0 लीटर का जो पेट्रोल इंजन वाला मॉडल है उसका जो माइलेज है 13 से 14 किलोमीटर हो सकता है, पर ऑफिशियली इसका खुलासा नहीं हुआ है। ऑफिशियली खुलासा होने के बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों डीजल इंजन जो है 2.2 लीटर का डीजल इंजन है, इसका भी माइलेज 14 से 15 किलोमीटर के आसपास है। अगर हम मारुति अर्टिगा की बात करें तो दोस्तों इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसका माइलेज 19 किलोमीटर है, जो CNG मॉडल में इसका माइलेज 26 किलोमीटर का है। तो दोस्तों XUV 700 के मुकाबले में या माइलेज के मामले में अर्टिगा आगे निकलते जा रहा है। तो दोस्तों चलिए अब हम इसके फीचर्स स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल अगर हम इसके सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो दोस्तों महिंद्रा XUV 700 में लेंथ, विड्थ, हाइट सब कुछ ज़्यादा है, व्हील बेस ज़्यादा है, तो इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल सीट आपको देखने को मिल जाएगा अर्टिगा के मुकाबले में। वहीं अर्टिगा में भी आपको 7 सीटर का ऑप्शन ही मिलता है, जबकि आपको महिंद्रा XUV 700 में 7 सीटर का ऑप्शन मिलता है। मगर कंफर्टेबल में लेवल जो है XUV 700 का कंफर्टेबल ज़्यादा है अर्टिगा के मुकाबले में। अगर हम इंटीरियर की बात करें तो दोस्तों इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम एंड लग्जरियस नज़र आता है महिंद्रा XUV 700 का, जिसमें पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज, एयर कंडीशन, हीटर और 12 वोल्ट का पावर आउटपुट सॉकेट आपको देखने को मिल जाएगा, और साथ टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ में आपको इसमें एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी का फीचर भी देखने को मिलेगा। AMT गियरबॉक्स इसमें दिया गया है, और सेफ्टी के मामले में हम आगे बात करेंगे, काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स इसमें मिलते हैं, और इसमें आपको सनरूफ भी देखने को मिल जाएगा, जबकि अर्टिगा में सनरूफ आपको नहीं मिलता है। और अगर आप साउंड सिस्टम की बात करें तो साउंड सिस्टम इसमें आपको सोनी का दिया गया है, जो कुल मिला के 12 स्पीकर आपको ओवरऑल मिलते हैं, जो काफ़ी दमदार साउंड एक्सपीरियंस आपको दिलाएगा। तो दोस्तों महिंद्रा XUV 700 में आपको ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले दिया गया है, और भी कई सारे फीचर्स हैं जो अगर आप देखना चाहें तो गिनती भी नहीं कर सकते। साथ में ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन का फीचर्स है, आगे ट्रैफिक साइन क्या है वो आपको दिखाएगा। अगर हम सेफ्टी के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें ABS, EBD, एयरबैग्स के साथ में दोस्तों ब्रेक असिस्ट दिया गया है। इसमें कुल मिला के टॉप मॉडल पे 7 एयरबैग्स दिए गए हैं, और रिवर्स पार्किंग सेंसर विद कैमरा आपको फीचर्स जो है देखने को मिल जाएगा, जिसमें 360 डिग्री का रोटेशन भी मिलता है। तो दोस्तों वहीं अगर हम मारुति अर्टिगा की बात करें तो इसका स्टीयरिंग जो है पावर स्टीयरिंग है, पावर विंडोज भी आपको इसमें मिलता है, मगर इंटीरियर का लुक जो है थोड़ा सा उतना प्रीमियम नज़र नहीं आ रहा है जितना महिंद्रा XUV का। और साथ में 12 वोल्ट का पावर आउटपुट सॉकेट, और इसमें भी आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और एयर कंडीशन, हीटर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं, साथ में ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले भी आपको इसमें मिल जाता है। प्राइस के हिसाब से दोस्तों यहाँ पे जो इसका इंटीरियर है उसके हिसाब से भी आपको फर्क नजर आ जाएगा। अगर हम इसके सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो ABS, EBD और सिर्फ डुअल एयरबैग्स इसमें मिलता है। तो दोस्तों इसमें भी रिवर्स पार्किंग सेंसर और टॉप मॉडल पर कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे फीचर्स की बात करें तो दोस्तों अर्टिगा बहुत पीछे नजर आ रहा है महिंद्रा XUV के मुकाबले में, लेकिन हाँ प्राइस के मामले में भी फर्क जो है आपको यहाँ पे देखना जरूरी है, क्योंकि प्राइस जो है अर्टिगा का 8 लाख के करीब करीब स्टार्ट होता है, जबकि XUV 700 का प्राइस 12 लाख से स्टार्ट होता है। तो दोस्तों अब ऑप्शन आता है आपको कौन सा खरीदना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपका बजट जो है टाइट है तो दोस्तों अर्टिगा आपके लिए बेस्ट रहेगा, 7 सीटर के साथ में माइलेज अच्छा है और लो मेंटेनेंस इसमें आपको मिलता है, क्योंकि इसके पार्ट्स का प्राइस कम होता है। और दोस्तों अगर आपके पास इनोवा क्रिस्टा खरीदने तक का बजट है तो दोस्तों इनोवा क्रिस्टा के बजाय अगर आप महिंद्रा XUV 700 खरीदते हैं तो दोस्तों आपको एक फ्रेश लुक के साथ में फीचर जो है फुली लोडेड SUV मिल जाएगा, और साथ में इसमें नए जमाने के नए फीचर्स भी मिलते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।